चिंतक झा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। आज जिस प्रकार से देश में हालात पैदा किए गए हैं, यह कड़ी दर कड़ी हमारे ऊपर अन्याय, अत्याचार और असहनीय वेदनाओं के बाद यह कड़ी आज आकर हमारे बीच में यहाँ पर खड़ी हुई है। विगत 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार गरीबों, मजदूरों, मजलूमों, बेबसों, लाचारों, वंचितों और इस देश के तमाम उन लोगों को जो लोग सामाजिक न्याय में विश्वास करते थे, इस देश के संविधान में विश्वास करते थे, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते थे, उसको एक एक करके तोड़ रही थी। और हम लोग उत्तर प्रदेश में लगातार हर जिले में सामाजिक न्याय सम्मेलन करके इस बात से लोगों को आगाह कर रहे थे कि जो लोग इस देश में वर्षों से, हजारों सालों से आपके अधिकारों को, आपके आपकी संभावनाओं को लगातार कुचल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच के और जो संविधान प्रदत्त आपका आरक्षण है उसको खत्म करने की तैयारी कर दी है। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले, साधु साहब पहले सुब्रमण्यम स्वामी बोले थे, उन्होंने कहा था कि आरक्षण को इस हद पर ले जाएंगे हम ताकि आरक्षण नाम तो रहेगा, लाभ उसका किसी वंचित तबके को नहीं मिलेगा। उसी तरीके से गडकरी ने कहा कि नौकरियां इस देश में है नहीं, आरक्षण रहने से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन यही में मैंने देखा, एक दिन में घोषणा होती है इस देश में, इस देश के बहुजन हजारों सालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, रोज सड़कों में लड़ते हैं, रोज गांव से कम्युनिटियों में लड़ते हैं, उनकी आवाज इस संसद में नहीं सुनाई देती है। लेकिन एक दिन बयान आता है इस देश में 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया जाएगा और हमारे सदन में तमाम उन लोग, हम इस इतिहास में गवाह बनने जा रहे हैं, हमारे बीच में मनोज झा जी हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि ऐतिहासिक स्तर पर जो आपने इस मानवता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, गरीब गुरबा के लिए, दलित क्षण वंचित तबके के लिए जो आपने आवाज बनी है, वाकई में ये आवाज आपकी, हम लोग पिछले साहब को समर्थन देने के लिए तैयार है। लेकिन हमें उस दिन बहुत दुख हुआ कि सामाजिक न्याय के नाम पे, समाजवाद के नाम पे तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो राजनीति करती हैं, आपके मतों को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संसद में बैठ के और आपकी बात करने का दावा करती है। लेकिन उन पार्टियों ने भाषण तो अच्छा किया लेकिन जाकर फिर समर्थन कर दिया। साथियों, ये काशी संकल्प में जो आज मीटिंग हो रही है, तमाम विद्वानों अपनी बात तो रखेंगे, मैं एक बात कहना आपसे जरूर चाहता हूँ, इस देश में जिस तरह से सामंती मनवादी सोच के लोगों ने सर उठाया है और दलितों पिछड़ों के हक को कुचलने का प्रयास किया है, संपूर्ण भारत के बहुजनों को मैं आह्वान करता हूँ कि आज जब प्रतिज्ञा लेके जाए इस देश में अपने हक, हुकूक, अधिकार और न्याय और इंसाफ की लड़ाई और इंसानियत की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग मिलजुल के, जो भी हमारा नेता होगा, जो हमको आह्वान मिलेगा इस लड़ाई में आगे होगा उसके पीछे चलने की तैयारी के लिए। साथियों, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब मार्च निकाल रहे थे तो कुछ छात्रों ने हमसे कहा, वो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ प्रोफेसर लोग बैठे हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लोग बैठे हुए हैं, क्या आरक्षण की लड़ाई सिर्फ रोजगार की लड़ाई है? आज विश्वविद्यालय में लंबे लंबे मार्च निकल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो रहा है। आपको उस दिन नहीं पता था जिस दिन भारत की सर्वोच्च न्यायालय में तमाम ऐसे फैसले करवाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से आपके आरक्षण को लगातार खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि 50% से अधिक आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब बताइए कि 10% आरक्षण वो कहां से आएगा? दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वैकेंसी बेस्ट नौकरियां थी उसको पोस्ट बेस्ट की जा रही है और एक तरफ का क्वेश्चन वहां पर फिर आके खड़ा होगा और आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। साथियों, आरक्षण की लड़ाई हम टुकड़ों में नहीं लड़ेंगे, आरक्षण की लड़ाई हमें इसमें सार्वभौमिक तरीके से बड़े पैमाने पर लड़नी पड़ेगी और स्पष्ट दृष्टि के साथ अपने और पराये का बिना भेद किए हुए इस लड़ाई को लड़ेंगे, तब जाकर हम अंजाम तक पहुंचेंगे। अन्यथा यह जो सर्वपोष भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये गुंडों, माफियाओं और इस देश के झूठे मकारों और मुगापतियों की पार्टी है, उनको न्याय देने से कोई मतलब नहीं है। इस देश में ब्राह्मण और सामंतवाद के चूहे एक बार मजबूती से फिर डालना चाहते हैं जिसको हमारे महापुरुषों ने 1990 में उखाड़ फेंका था। इसी तरह इसी दिल्ली की सदन में हमको याद है, उनकी घटना याद आती है
मजबूती से लड़ना होगा। एक शहर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगा कि साहब जिसे प्यास कम उसे दम बदम, जिसे प्यास कम उसे दम बदम, जिसे प्यास नहीं उसे कम से कम, जिसे प्यास कम उसे दम बदम, जिसे प्यास है उसे कम से कम। ऐसा कि तेरे वज्र का ये उसूल है या मजाक है। साथियों ये बात मैं कहकर जाना चाहूंगा और हमारे लिए मैं आप लोगों के साथ इस आंदोलन में हमेशा तैयार हूं। इस लड़ाई को लड़ी जाएगी और एक अंतिम अंजाम तक पहुंचाने तक लड़ेंगे। धन्यवाद।